मडगांव। मडगांव गोवा के प्रसिद्ध शहरों में से एक है। यह गोवा के पणजी शहर में बाद यह दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है। यहां पर पुर्तगाली शैली में बनाए हुए बहुत से इमारत देख सकते हैं। यह साल नदी के तट पर स्थित है। आइए जानते हैं मडगांव में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है कोलवा बीच। कोलवा बीच गोवा के प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है। कोलवा बीच दक्षिणी गोवा के सालसेटे गांव में स्थित है। यह एक बहुत लोकप्रिय स्थल है। यह नारियल पेड़ों और चट्टानों से भरा समुद्र तट है। यह मडगांव रेलवे स्टेशन सिर्फ 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब अगली जगह है श्री दामोदर टेम्पल। श्री दामोदर मंदिर गोवा के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। श्री दामोदर मंदिर को जाम्बोलिन या श्री दामोदर संस्थान भी कहते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। यह मंदिर फतोरदा स्टेडियम बैक रोड पर स्थित है। इस मंदिर में हर सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ लगती है और यहाँ समय समय पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। अब अगली जगह है मोंटे हिल। मोंटी हिल गोवा का एक सुंदर सा पहाड़ी है जो बहुत ही सुंदर है। यह हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यह जगह नव विवाहित जोड़ों को बहुत ही आकर्षित करता है। यहाँ पास में बना एक चर्च भी है जो बहुत अच्छा लगता है। अब अगली जगह है सास थोम म्यूजियम। यह गोवा का संग्रहालय है। अगर आप यहाँ इस संग्रहालय में रखे वास्तुकला को देखते हैं तो आप वास्तव में मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस संग्रहालय में जाने के लिए आपको प्रवेश शुल्क देना होगा। इस जगह आपको 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली कलाकृतियों और वस्तुओं का संग्रह देखने को मिलता है। अब अगली जगह है मरगांव मार्केट। यह गोवा के प्रसिद्ध मार्केट में से एक है। अगर आपको खरीदारी करना अच्छा लगता है तो यहाँ पर जा सकते हैं। इस बाजार में आप कपड़ों से लेकर हस्तशिल्प, सब्जियों, काजू, फैशन स्टोर से लेकर मसाले तक सब कुछ मिल सकता है। यहाँ छोटे हिस्से में छोटी दुकानें, पारंपरिक शैली, किफायती मूल्य, सस्ते दाम में मिलते हैं। अब अगली जगह है बेनोलिम बीच। बेनोलिम बीच गोवा के सबसे चौड़े और साफ समुद्र तटों में से एक है। यहाँ पर्यटक लोगों की संख्या कम होने की वजह से आप शांति का अनुभव करेंगे। यह दक्षिण गोवा के सालसेटे तालुका में स्थित है। इस बीच का पानी बहुत शांत रहता है जो आप यहाँ आराम से तैर सकते हैं। अब अगली जगह है आर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च। यह एक रोमन कैथोलिक चर्च है। इस चर्च का वास्तुकला बहुत सुंदर है जो पुर्तगाली शैली से मिलती है। यह पुराना बाजार मडगांव से बस 1 मिनट की दूरी पर स्थित है। अब अगली जगह है मजोरदा बीच। मजोरदा बीच अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। यह बीच बहुत सुंदर है। इस बीच पर आपको ताड़ के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। मजोरदा बीच पर गोवा कार्निवल महोत्सव के आयोजन भी होता है। इसके अलावा समुद्र तट पैरासेलिंग, सर्फिंग, स्नोरकलिंग और स्कीइंग जैसे पानी के खेल के रोमांच के असंख्य आयोजन होते रहता है। अगर आप सुनहरी रेत पर शांतिपूर्ण सैर करना चाहते हैं तो यहाँ जा सके हैं। अब अगली जगह है मरगांव म्यूनिसिपल पार्क। यह मडगांव का मुख्य आकर्षण वाला पार्क है। यह अच्छी साफ सफाई के साथ एक अच्छी शांत जगह है जहाँ आप अपने दोस्तों परिवार के साथ समय बिता सके हैं। इस पार्क के अंदर आप हरे भरे सुंदर पौधे को देख सकते हैं। अब अगली जगह है रचोल सेमिनरी। यह जेसुइट पिताओं द्वारा शुरू किया गया प्राचीन मदरसा है। यह विस्तृत गलियारों और प्राचीन चित्रों वाली एक शानदार इमारत है। यह मदरसा गोवा में मडगांव क्षेत्र के पास रचोल के किले में स्थित है। यह 400 से अधिक वर्षों से पुरानी बताई जाती है। अब अगली जगह है चर्च ऑफ होली स्पिरिट। यह एक गोवा का चर्च है। अगर आप मन को शांत रखना चाहते हैं तो यहाँ जा सके हैं। यह चर्च देखने में बहुत सुंदर लगता है। यह होली स्पिरिट रोड के बोर्डा में मडगांव में स्थित है। अब अगली जगह है श्री चंद्रनाथ टेम्पल।
श्री चंद्रनाथ मंदिर गोवा के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से है। इस मंदिर को श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब चंद्रमा की किरणें शिवलिंग पर पड़ती हैं, तो शिवलिंग से पानी रिसता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह पहाड़ियों पर स्थित एक अद्भुत मंदिर है जो अपने सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आप यहां प्रकृति की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। अब अगली जगह है बिग जी मॉल। यह गोवा का मडगांव में स्थित एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। यह सुपरमार्केट 9 मंजिला है। यह खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगह है। अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अब अगली जगह है जालोर बीच। जालोर बीच गोवा का सुंदर समुद्री तटों में से एक है। यह बीच बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पर्यटक लोग बहुत कम आते हैं, जिस वजह से आप यहाँ शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह वर्का बीच के ठीक दक्षिण में स्थित है। अब अगली जगह है जॉर्ज बरेटो पार्क। जॉर्ज बरेटो पार्क मडगांव में स्थित एक सुंदर पार्क है जहां आप सैर के लिए जा सकते हैं। यह घूमने के लिए अच्छी जगह है। इस पार्क में हरे भरे पेड़ पौधे के साथ साथ बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई हैं, जहां लोग फुर्सत के पल बिताने और शाम की सैर के लिए आते हैं। अब अगली जगह है पांडव केव्स। यह गोवा के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से एक है। पांडव गुफाओं को अरवलेन गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय बताते हैं कि वनवास के समय पांचों पांडव यही इस गुफा में विश्राम किए थे। यह अरवलेन फॉल्स से लगभग 1.3 किलोमीटर दूर संकेलिन गांव के पास स्थित है।